शहर के समीप के सभी पर्यटक स्थलों पर धारा 144 लागू होने के साथ ही प्रशासन भी तैनात है। वहीं यहां पर पहुंचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। महू शहर के समीप के सभी पर्यटक स्थलों पर धारा 144 लागू है, जिसके तहत यहां पर पुलिस बल भी तैनात है। शहर के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल पाताल पानी पर जहां हजारों लोग पहुंचते थे, वहीं अब यह सभी पर्यटक स्थल सुनसान पड़े हैं। इधर बामनिया कुंड में शासन की ओर से शौचालय बनाया गया था, जिसे लोगों ने पत्थर फेंक कर तोड़ दिया। महू से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। महू का पर्यटन स्थल जो पाताल पानी जो काफी माना जाता है, उसी को लेकर हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जो यहाँ पर जो पर्यटन स्थल जो है, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते थे, जहाँ काफी लोग दिखते थे। आज की तारीख में आप देख सकते हैं जो कोरोना महामारी के चलते जहाँ पर लोग निकलने से कतरा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हजारों की संख्या में लोग जो इस पाताल पानी इस इलाके के अंदर जो दिखते थे, अभी एक भी कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं है। यही के साथ जो यह पाताल पानी का एरिया हम आपको बता दें पूरा सील कर रखा है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। प्रशासन जो है यहाँ पर लगातार काम कर रहा है, लगातार यहाँ पर जो जवान है खड़े हुए हैं, हर इंसान को आने जाने वालों को समझाइश भी दी जा रही है। हमारे साथ ये जवान यहाँ पर खड़े हैं, हम सब बोलना चाहेंगे कि क्या सर यहाँ पर जो किस तरह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और किस तरह से लोगों को समझाइश दी जा रही है। यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं, यहाँ धारा के समाज लगे श्रीमान जिलाधीश महोदय के आदेश से, और हम उनको समझाई देकर वापस करते हैं, चले जाते हैं। लोग इज्जत नहीं करते हम लोगों से, चले जाते हैं कि भैया ठीक है बंद है तो नहीं जाएंगे। सर यहाँ पर धारा 144 भी लगाई गई है। हाँ 144 लगी है। तो सर अगर कहीं बाई दफा कोई आई साइड में कोई ऐसा इंसान दिखता है कि यहाँ कोई घूम रहा है, उससे सुनने में आता है कि कई लोग फिर भी आते हैं जो नहीं मानते हैं, तो उनके लिए क्या किस तरह का नहीं मानने का तो सवाल नहीं हो, तो सुन बोलने से चले जाते हैं, कोई इज्जत नहीं करते। उनको मालूम 144 लगी है, अपने विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए कोई नहीं रुकता है, चले जाते हैं। देखिए इन्होंने सर ने जिस तरह से बताया कि धारा 144 यहाँ पर हर पर्यटन स्थलों पर लगी हुई है, लगातार प्रशासन यहाँ पर काम कर रहा है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है। मैं कैमरा पर्सन सुधीर वर्मा के साथ जितेंद्र वर्मा, खबरवाणा।